आप हमारे देखने वालों को, हमारे दोस्तों को, हमारे साथियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, अगर वो शेर या कोई भी ऐसा जानवर रखना की ख्वाहिश जाहिर करते हैं या उनके दिल में शौक है कहीं ना कहीं? अगर उनके दिल में शौक है, मैं सबसे पहले यही कहता हूँ कि ये डेंजरस शौक है। अगर कोई ये शेर रखना चाहता भी है तो हफाजत करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मैं शेर खुद ले आया हूँ, लेकिन शेर में ले आया हूँ, उसका मंथली खर्चा 2 लाख है। मैं जो बंदा अभी नया शेर लाना चाहता है ना, मैं उसको यही पैगाम दूँगा, जो इस पर 2 लाख खर्च करता है वो एक गरीब कई ख़ानदान पर वो खर्च करे तो बेहतर है। आपने बहुत अच्छी बात की है दोस्तों। कहते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, और दर्द दिल और दुखी इंसानियत की खिदमत इसी में ही है कि 2 लाख अगर आप किसी गरीब को देते हैं तो वो कहते हैं ना कि आप मछली पकड़ के किसी को ना दो बल्कि मछली पकड़ना सिखाओ। तो 2 लाख से एक ख़ानदान मुस्तहकम हो सकता है, माशी तरक्की की तरफ सफ़र कर सकता है। और हमारे माशाल्लाह से पढ़े लिखे बीकॉम किया हुआ है हमारे इस साथी ने, और एक बिजनेसमैन है, और एक अच्छा तासुर इन्होंने दिया है। इसके अलावा और क्या कहना चाहेंगे? इसके अलावा मेरे जो मैंने अपनी सोच से सोचा ना कि अगर शेर बना लाए, लेकिन डेंजरस शौक है, लेकिन ये एक अगर किसी गरीब पे 2 लाख रुपए खर्च कर दिया जाए, ये एक दुआ भी है जी, बिल्कुल, और ये सबसे बेहतर बात जी है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमें यहाँ का विजिट भी करवाया। आपका बहुत अच्छा माशाल्लाह से बिजनेस भी है। बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए। और दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, और किसी भी डेंजरस चीज़ के पास या किसी भी जानवर के पास जाने से पहले अपने हिफाजती इकदाम पूरे करें।